अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिफा और मैं आई हूँ बहुत ही एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। सो आज है हमारा बॉम्बे में सेकेंड डे। तो सबसे पहले हमने किया नाश्ता, नाश्ते में किया ऑमलेट लिया था, बहुत भूख लग रही थी, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया और बाद में कुछ प्लानिंग की कि आज हमें कहाँ कहाँ घूमना है और कौन सी जगह पर जाना है। सबसे पहले हमारी प्लेस थी गेटवे ऑफ इंडिया, तो हम सबसे पहले गए गेटवे ऑफ इंडिया घूमने। देखिए हम आ गए हैं यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया। धूप काफ़ी थी लेकिन फिर भी टूरिस्ट इतने ही थे, लेकिन धूप गर्मी थी लेकिन इतनी सब नहीं थी, लेकिन हाँ धूप बहुत ही तेज थी। पिक्चरों में देखा था लेकिन सामने से देखने का मजा ही कुछ और है। यहाँ पर एक पिक्चर की शूटिंग भी हुई थी, शायद आमिर खान का पिक्चर था, कुछ सॉन्ग की यहाँ पे शूटिंग हुई थी। और देखिए ये ताज होटल, ये न्यू ताज है और ये ओल्ड ताज है, और यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ताज होटल बाहर से, तो अंदर से तो क्या ही होगी। कभी जाएंगे अंदर भी इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ गेटवे ऑफ इंडिया देखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर ना गेटवे ऑफ इंडिया की हिस्ट्री लिखी गई है कि कैसे बना, कब बना और क्यों बना। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बनाया गया था और ना ये दिसंबर महीने में बना था, दिसंबर महीने में 1911 ईयर में बना था। एक बार ना यहाँ पर किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जब यहाँ से आए थे ना, उनकी याद में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, और वो जिस रास्ते से आए थे ना उसी रास्ते पर ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो इन शॉर्ट गेटवे ऑफ इंडिया उनके लिए, उनकी याद में बनाया गया है कि वो यही रास्ते से आए थे इसलिए। और ना ये डोम का जो स्ट्रक्चर है वो 15 मीटर वाइड और 25.15 मीटर हाइट है इसकी। यहाँ पर ना बोट्स भी लेकर जाते हैं, बोट्स से हम घूम सकते हैं, थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं और हमको घुमाते हैं। और यहाँ से ताज का सीन तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ये मोइन देखिए स्टाइल मारते हुए, और ये न्यू ताज है। और हमने डिसाइड किया कि हम भी बोट में जाएंगे और थोड़ा सा घूमेंगे अंदर। और ये देखिए स्कूल के बच्चे आए हैं छोटे छोटे क्यूट से, ये लोग भी शायद घूमने आए हैं यहाँ पर। कितने अच्छे लग रहे हैं क्यूट क्यूट, इन्हें देख के मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आ गए, हम भी ऐसे पिकनिक पे जाया करते थे। बोट हमें ना एलिफेंटा केव भी ले जाती है, लेकिन वो आने जाने में पूरे हमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। और वहाँ पर टापू है, वहाँ पर तोप रखी गई है ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो वो तोप दिखाने ले जाते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ने में भी हमें 2 घंटा लगता है। सो इतना वक्त तो हमारे पास नहीं था, तो हमने यही डिसाइड किया कि हम सिर्फ थोड़ा सा घूमेंगे हाफ एन आवर बोट में। सो हम बैठ गए हैं बोट में, थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया, और मोइन को तो हमेशा फ़ोटोशूट करवाने ही होता है, इसलिए जाता है ऐसे बैठ ही जाता है पोज देकर। और देखिए मैंने बर्ड्स का बोला था ना, ये वही बर्ड्स हैं जो मतलब उनको खाना देना रहता है। हम अगर यहाँ पर वो बोट वाले अंकल ने बोला है कि ये बर्ड्स ना ऐसे ही घूमते रहेंगे, और आप अगर इन्हें वेफर्स या कुरकुरे या कुछ भी ऐसा नाश्ता खिलाओगे तो आपके हाथ में से लेकर जाएंगे। तो ये पूरे रास्ते हमारे साथ ही रहते हैं, देखना आपको आगे देखने मिलेगा। और ये बर्ड्स देखिए राह देख रहे हैं कि जल्दी से कोई ना कोई इन्हें खाना दे, तो ये लोग जल्द से जल्द खाना खाए, बेचारे भूखे होंगे ना इसलिए। सो फाइनली हमारी बोट चलने लगी, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये बर्ड्स देखो बोट्स के चारों ओर ऐसे उड़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को राह देख रहे हैं कि कब कोई हमें खाना दे कुछ। ये जो आंटी है ना, उन्होंने एक ही पोज में आई थिंक के 20 या 30 सेल्फीज ले ली होगी। Oh
दूर सामने देखिए शायद नेवी की शिप्स भी है, जो नेवी ऑफिसर्स होते हैं ना जो सी में रह के काम करते हैं, वो उनकी शिप्स देखिए दूर से दिख रही होगी आप लोगों को। सामने जो बोट्स दिख रही है ना वो हमें रेंट पर भी देते हैं, अगर हमें पर्सनली हमारी बोट चाहिए हो तो यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। ये मैं हूँ, ये मेरे पापा है और एज़ यूजुअल पापा फ़ोन में बिजी है क्योंकि उनको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो हमें घुमाने लाए थे। ये निदा देखो बर्ड्स को खाना खिला रहे हैं, उनके हाथ में से लेकर जाते, निदा को डर लग रहा था इसलिए वो फेंक रहे हैं, हाथ में नहीं रख रहे। ये अंकल कहा चैट इन लोगों को पसंद नहीं है इसलिए कोई भी नहीं ले रहा है उनके हाथ में से वेफर। और जो सामने दिख रही है ना वो क्रूज है, वो यहाँ से बॉम्बे से गोवा जाती है, 3 दिन के लिए ट्रिप होती है, उसमें भी बहुत मजा आता है। हमने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आई और मुझे भी खिलाना था बर्ड्स को, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं हाथ में कुछ लगभग ना जाए, फिर भी हमने बहुत मज़े किए। हम बस बोट से उतर कर अब मैं ढूंढ रही थी कुछ ठंडा सा पीने के लिए क्योंकि धूप काफ़ी थी तो प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था, तो मैं ढूंढ रही थी नींबू पानी। तो लेट्स गो एंड फाइंड नींबू पानी। घूमने में मजा बहुत आता है लेकिन चल चल कर हालत खराब हो गई, इतने पैर दुख रहे थे कि पूछो ही मत, लेकिन मजा बहुत आ रहा था, चलना काफी पड़ा हमको क्योंकि कार पार्किंग का बहुत मसला रहता है बॉम्बे में, इसलिए चलकर ज़्यादातर हमें चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। और एट लास्ट मुझे नींबू पानी मिल गया और बहुत अच्छा था, और गर्मी इतनी थी कि गला सूख रहा था इसलिए मैंडेटरी है नींबू पानी। हम आए हैं हैंगिंग गार्डन, यहाँ से ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से पूरा बॉम्बे दिखता है, सो लेट्स सी। अब हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं बाइनोक्यूलर से देखने, क्योंकि वहां पर से ना पूरा बॉम्बे दिखाई देता है, सो लेट्स सी कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे है वो दूरबीन जहाँ से पूरा बॉम्बे दिखता है, ये है वो दूरबीन जहाँ से पूरा बॉम्बे दिखाई देता है, ये है वो दूरबीन जहाँ से पूरा बॉम्बे दिखाई देता है, हमें सिर्फ यहाँ पे कॉइन इंसर्ट करना रहता है। आप लोगों को तो नहीं दिखेगा, मैं ही देख लेती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 11 डिग्री करेंगे तो बाबुलनाथ मंदिर दिखेगा, एयर इंडिया बिल्डिंग, बॉम्बे स्टॉक, हज हाउस, चौपाटी बीच, मरीन ड्राइव, ये सब दिखता है यहाँ से। व्यू इतना ब्यूटीफुल है, ये सब चीज़ें ना मैं आपके लिए कैप्चर कर रही थी ताकि आप सब भी देख पाए और आप सबको भी पता चले कि बॉम्बे में क्या क्या चीज़ें घूमने के लिए हैं। सो प्लीज़ जो न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। ये शू हाउस बनाया है यहाँ पर, ये शू हाउस ना हैंगिंग गार्डन में ही है और पूरा शू के शेप में बनाया हुआ है,
ब्लू और रेड कलर में और बहुत ही अच्छा बनाया था। लेकिन यहाँ पे ना बड़ों को एंट्री नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे ही जा सकते हैं, 12 इयर्स के बिलो मतलब छोटे बच्चे ही को एंट्री है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, निदा को जाना था लेकिन उनको मना कर दिया वहाँ के वॉचमैन अंकल ने, बोला कि सिर्फ छोटे बच्चों को ही एंट्री है। देखिए मैं आपको आगे से बताती हूँ, पूरा शू के शेप में बनाया हुआ है और बहुत ही क्यूट लग रहा था, ये बहुत अच्छा लग रहा था। सो बस गार्डन में से निकले और हमें दिख गया बारीक अमरूद, सो हमने लिए अमरूद, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मीठे थे। और मैंने अभी तक जितने भी फ्रूट्स खाए ना बॉम्बे में, सबका ही टेस्ट बहुत ही अच्छा था और फ्रेश फ्रूट्स थे, और ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, बहुत ही मीठे थे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थे। हमें रास्ते में दिख गया अंबानीज हाउस, देखिए कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा था ये। और यहाँ पर ना मुझे जो ड्राइवर अंकल थे हमारे साथ, उन्होंने बोला कि ऐसा सुना गया है कि यहाँ पर 500 और 600 तो सिर्फ वर्कर्स ही काम करते हैं घर पे, और ये काफ़ी बड़ा है, मार्केट लगता है बहुत अच्छा, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, लेकिन ट्रैफिक बहुत है, हमको क्रॉस करके सामने जाना है, यहाँ पे पूरा मार्केट लगता है। माही मेरिया माहिम दरगाह के पास जो मार्केट लगता है वहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती है। अब हम आए हैं माहिम दरगाह पर। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि उर्स के मौके पर ना सबसे पहली चादर जो चढ़ाते हैं वो पुलिस वालों की ओर से चढ़ती है, सबसे पहले उनकी चादर चढ़ती है, बाद में सबकी चढ़ती है उर्स के टाइम पर। दरगाह में जाकर हम कुछ वक्त सुकून से बैठे, फातिहा पढ़ा, दुआएं मांगी और शांति से थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर भी। सो हम दरगाह पर से निकलने के बाद हमने ये रास्ते में बाबा फालूदा देखा, और यहाँ पे सुना है कि बहुत ही फेमस फालूदा होता है यहाँ का, सो पापा लेने गए यहाँ का स्पेशल बाबा फालूदा, और देखिए कितना बड़ा ग्लास है और फालूदा है उसमें से ये आइसक्रीम है, इतना बड़ा था कि किसी एक से तो पूरा ग्लास फिनिश भी ना हो पाए, और मैंने तो सिर्फ 2 ही स्पून टेस्ट किए, क्योंकि पर्सनली मुझे ना मीठा खाना पसंद नहीं है, मुझे स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद है, मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ। मैंने टेस्ट तो किया लेकिन बहुत ही मुझसे ना पूरा ग्लास तो फिनिश हुआ ही नहीं, सो मैंने किसी को दे दिया और निदा ना पूरे 2 ग्लास पी गए, मेरे हिस्से का ग्लास भी निदा ही पी गए, वो बहुत उनको मीठा इतना पसंद है। और देखिए रास्ते में गौरी खान डिज़ाइन हमें मिल, शाहरुख खान वाइफ गौरी खान इंटीरियर डिज़ाइनिंग शोरूम यहाँ पर है, देखिए पूरा बोर्ड भी लगा हुआ है। अब हम पहुँच गए जूहू चौपाटी, शाम का वक्त हो चुका था, हम थोड़ा लेट पहुँचे। जो जूहू चौपाटी का व्यू होता है ना एकदम खूबसूरत, वो शाम में होता है, तो हम वो मिस कर गए, लेकिन हम रात में टाइम कम था लेकिन जाना था इसलिए हम चले गए। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अभी भी काफ़ी भीड़ थी और हवाएं बहुत अच्छी थी, ठंडी ठंडी थी, हमको वहाँ पे मज़ा आया। मैंने कोशिश की कि आप सबको भी दिखाऊं लेकिन काफ़ी अंधेरा था इसलिए ज़्यादा चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई मैं। रात के 2:30 बजे तक ये खुला हुआ होता है बीच, और यहाँ पे आपको सब चीज़ें खाने की भी मिलती है। और देखिए अभी भी काफ़ी लोग आ रहे थे, क्योंकि रात को कितने लोग यहाँ पे बैठने भी आते हैं, सबको अच्छा लगता है, यहाँ पे चटाई भी मिलती है, हमको ख़रीद कर बैठना हो तो हम बैठ भी सकते हैं। और जूहू चौपाटी के पास ना पैसे हम उस कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, और यहाँ की स्पेशल पाव भाजी का मैंने बहुत सुना है, तो हम अभी ट्राई करेंगे पाव भाजी। देखिए बच्चा ना छोटा सा मिट्टी का घर बना रहा था, सो मैंने वो भी वीडियो में ले लिया। अब हम मैंने ऑर्डर की है पाव भाजी, तो उसका वेट कर रहे हैं, अब आएगी पाव भाजी, सो लेट्स टेस्ट। सब बोलते हैं क्या इतनी अच्छी है, देखते हैं। ऐसे चटाई देते हैं, देखिए हमें यहाँ पे बैठना होता है, इसके ऊपर हमें वो लाकर देते हैं, और पूरा फील बहुत ही मज़े वाला होता है, बहुत एंजॉय किया। और ये देखिए बटर वाली पाव भाजी आ गई हमारी, सो टेस्ट करके बताती हूँ कैसी है। नाम सुना था, तारीफ़ बहुत सुनी थी कि यहाँ की फेमस होती है पाव भाजी,
इसलिए मैंने टेस्ट करने के लिए मंगवा ली। और देखिए ये वहाँ पे ना कुछ शायद फॉरेनर्स का कुछ ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, आप ही देखिए। पाव भाजी वॉज ओके, नाम सुना था लेकिन इतनी टेस्टी नहीं थी, सो हमने वापस से पिज्ज़ा मंगाया और ये मोइन पिज्ज़ा के चटाके लेते हुए और कूल बनकर खाते हुए पिज्ज़ा। और देखिए वापस से पूरा राउंड मार के लोग वापस आए, पता नहीं क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, आई डोंट नो। तो बस यहाँ पर हमारा खा के हो चुका तो हम निकले वापस, और रास्ते में मुझे ना काला खट्टा दिख गया, बर्फ़ और गर्मी थी, काला खट्टा था तो खाना तो बनता है, सो मैंने वो खा, लेकिन मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि ना एक हाथ में ग्लास था तो मैं वो मोबाइल कैसे पकड़ती, सो मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन हाँ सच में गोला बहुत ही टेस्टी था और काला खट्टा फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा लगा। बस आज हम थक गए इतना घूम के, अब थर्ड व्लॉग आएगा, सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरा व्लॉग आए तो पता चले, और सब्सक्राइब करना ना भूलें जो न्यू है वो, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बस अल्लाह हाफिज़। और हाँ लास्ट में देखिए कुर्ती वगैरह यहाँ पे मार्केट लगता है, बहुत अच्छी कुर्तीज़ थी, मैंने थोड़ी शॉपिंग भी की। और देखिए वेस्टर्न वेयर, एथनिक वेयर सब मिलता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सा मार्केट होता है, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे, बहुत मज़ा आया यहाँ पे भी घूम के। सो चलो मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।